हेलो, दिस इज डॉक्टर पूजा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, आर्य पोदार आयुर्वेद कॉलेज, वर्ली, मुंबई. सो बेसिकली दिस लेक्चर इज रिगार्डिंग द न्यू टॉपिक दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ रचना शरीर एज पर योर न्यू एनसीएसएम सिलेबस. दिस टॉपिक कंप्राइजेस ऑफ 5 मार्क्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एज पर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. द मेन एम ऑफ दिस लेक्चर इज टू कवर ऑल दोज 4 सब टॉपिक दैट हैज बीन मेंशन अंडर दिस टॉपिक एंड टू प्रोवाइड यू ऑल विद रेडी नोट्स so that it becomes easy for you all to attempt the questions if asked in your exams. Coming to his introduction, as you all can see, कि केश नख और दंत तीनों ही किसी न किसी तरह उपधातु या मल ऑफ अस्थि को कंसिडर किया गया है. एंड आचार्य चरक ने दंत को इंक्लूड किया इन अस्थि एंड आचार्य सुश्रुत ने दंत को ही बुलाया है रुचक अस्थि एंड इंक्लूडेड एज अ टाइप ऑफ अस्थि. कमिंग टू इट्स फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज पांचभौतिक स्वरूप एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक केश नख दंत तीनों ही पार्थिव द्रव्य है बिकॉज ऑफ इट्स गुण दैट इज स्थूल स्थिर गुरुखर. ऑल्सो अगर आप देखें तो ये तीनों ही केश नख दंत उपधातु या मलव अस्थि है और अस्थि धातु खुद भी पार्थिव स्वरूप है. सो अल्टीमेटली इनका पांचभौतिक स्वरूप होगा पृथ्वी महाभूत प्राधान्य. अप्लाइड वैल्यू में आपको ये लिखना इंपॉर्टेंस है कि आप पांचभौतिक स्वरूप जानकर इन तीनों का केश नख दंत का आप उसको अप्लाई मतलब ट्रीटमेंट में कैसे अप्लाइड कर सकते हो. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे आयुर्वेद में बोला है सर्वमिदम पांचभौतिकम अस्मिन्नर्थे मतलब यूनिवर्स एंड यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है सारी ही पांचभौतिक स्वरूप है. एंड फ्रॉम द अबव श्लोक हमें पता है कि ये पार्थिव द्रव महाभूत प्राधान्य अंग हैं जो बनते हैं उससे. सो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई द्रव्य का पांचभौतिक स्वरूप पता है सो वो ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है आइदर इन ऑल्सो इन प्रिवेंशन एंड मेंटेनिंग द हेल्थ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हम यूनिवर्स तो पांचभौतिक है तो जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो भी पांचभौतिक है. एंड सो द फूड दैट वी कंज्यूम इज पांचभौतिक. व्हेन दिस फूड अंडरगो डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ जठर अग्नि जो पार्थिव प्रॉपर्टीज होगा उस फूड का विल नरिश द पार्थिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड पार्थिव पार्ट्स क्या है ये तो अगर इन रिलेटेड जो हमारे और डिजीजेस होंगे उसमें हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करना है द्रव्य कौन से प्राधान्य के यूज करना है महाभूत प्राधान्य के. सो इट विल हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. सेकेंडली आयुर्वेद का अल्टीमेट एम ही होता है कि धातु साम्यता रखना इक्विलिब्रियम ऑफ धातुज. सो पांचभौतिक कॉम्पोजिशन अगर हमें पता होगा थेरेप्यूटिक सब्सटेंस का तो हम धातु साम्य अवस्था मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट में या हेल्दी इंडिविजुअल में. ऑल्सो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कोई भी डिजीज ना वात पित्त कफ के दोषों के पैथोजेनिस के बिना नहीं होता. सो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर्टीज ऑफ महाभूत का सो बाय अप्लाइंग दिस यू कैन ट्रीट पेशेंट्स. कमिंग टू इट्स सेकेंड सब टॉपिक दैट इज स्वभाव एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू. अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत देर आर गर्भोत्पत्तिकर भाव एक्सप्लेन जो कि षड है 6 भाव है उसमें से एक है पितृज भाव. वॉट डज दैट मीन कि जो पितृज ये जो और ये चीजें केश मश्रु लोम नख दंत अस्थि शिरा स्नायु ये सब पितृज भाव है विच मीन्स दैट द स्ट्रक्चर कलर टेक्सचर एंड क्वांटिटी ऑफ केश दंत नख ऑफ अ प्रोजेनी विल बी डिपेंडेंट ऑन द पटर्नल साइड. सो ऑल दीज थ्री केश नख दंत आर पितृज भाव. इसका अप्लाइड वैल्यू में आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये तीनों का भाव जो जानकर आप क्या कर सकते हो यूजफुल क्या है इसका दैट इज पितृज भाव है तो आप कैसे यूज कर. जैसे कि अगर आपको पता है कि पितृज भाव है तो आप अगर गुड फैमिली हिस्ट्री कैन हेल्प टू रूल आउट हेरिडिटरी इन्वॉल्वमेंट इन केश दंत नख रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इसमें फॉर एग्जाम्पल आप हेयर फॉल हो रहा है या कोई पैटर्न बालनेस है तो आप हिस्ट्री लोगे तो आप पूछ सकते हो कि आपके ग्रैंड फादर या आपके फादर को ऐसी प्रॉब्लम है क्या. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या पूछना है. आपको ये नहीं पूछना है कि मॉम को है क्यों क्योंकि ये पितृज भाव है या आपको पैटर्नल साइड से मिला हुआ है. सो दिस कैन हेल्प टू रूल आउट द डिजीज. सेकेंडली आचार्य चरक हैज एक्सप्लेन द टेरेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ बीज. जैसे कि एक बीज है अगर बीज का व्हाटसोएवर पार्ट ऑफ द बीज अगर डिफेक्टिव है तो उसी से डेवलप होने वाला जो पोर्शन होगा ऑफ डेवलपिंग फीटस वो भी अबनॉर्मल होगा. सो ये इसमें हेल्प कर सकता है कि अगर हिस्ट्री लेने के टाइम पे फादर या उनके ग्रैंडफादर को ऑस्टियोपोरोसिस है तो और इनको यहाँ पे कुछ लक्षण वैसे दिख रहे हैं और आपको इतना पता है कि अस्थि जो है वो पितृज भाव है
पिताजी से आई है, मतलब पैटर्नल साइड से आई है, अगर उनमें इश्यूज है तो फॉर श्योर है कि इनमें आया है, तो ये आपको ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल हो सकता है. कमिंग टू इस थर्ड सब टॉपिक दैट इज प्राकृत एंड विकृत अबनॉर्मल स्वरूप ऑफ केश दंत एंड नख इन कंसर्न विद डिजीज. हियर अगेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्रकृति रिलेशन भी तीन है, क्योंकि वो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्रकृति है कि वात प्रकृति में अलग है, पित्त एंड कफ तीन प्रकृतियों, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल जो स्वरूप है वो भी एक्सप्लेन है यहाँ पे. विकृत स्वरूप इन कंसर्न विद डिजीज, आपको यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ डिजीज में वो केश का स्वरूप जो है वो कैसा हो जाता है. सो यहाँ पे एक्सप्लेन है कि पूर्व रूप ऑफ प्रमेय में जटिल भाव केशेशु, दैट मींस कि मीटिंग ऑफ हेयर, कि आप कितना भी हेयर वॉश कर लो जो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स हैं वो एक जटाओं की तरह रहेंगे, वो एकदम अलग अलग नहीं रहेंगे. एक्सेस ग्रोथ ऑफ केश एंड नख इज सीन, ऑल्सो लोम हर्ष इज सीन इन पूर्व रूप ऑफ कुष्ठ. सो ऐसे पूर्व रूप में अगर पहले ही पता चल जाएगा तो इट विल बी हेल्पफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज. ऑल्सो देर आर डिजीज एक्सप्लेन रिलेटेड टू केश दैट इज इंद्रलुप्त पालित दारुणक एक्सेट्रा. सेम लाइक केश यहाँ पे दंत भी एक्सपेक्टेड है कि प्रकृत स्वरूप ऑफ दंत कैसे हैं, तो दंत के प्रकृत रिलेश जो स्वरूप है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होने चाहिए, टफ अंगटर स्मूथ वाइटिश एंड कंप्लीट और इवन होने चाहिए. वैसे वात प्रीडोमिनेंट में कैसे होते हैं, फिर सार धातु सारता के अकॉर्डिंग कैसे हैं तीत के लक्षण है वो आप से एक्सपेक्टेड है कि स्वरूप कैसा है. और आचार्य काश्यप ने भी आइडियल डेंजर के कुछ साइंस दिए हैं कि कैसे होने चाहिए. सो ऑल कैन गो थ्रू इट. कमिंग टू इट्स विकृत स्वरूप इन दंत इन रिलेटेड टू डिजीज, मतलब कोई भी डिजीज रिलेटेड टू अस्थि धातु हुआ, जैसे डिक्रीज इन अस्थि धातु हो रहा है और उसके रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उसमें तीनों ही दिखेंगे वैसे, केश नख और दंत तीनों के बीच में, क्योंकि तीनों ही उपधातु या मल ऑफ अस्थि है, तो यहाँ पे इस रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे. और वैसे अगर प्रकोप हुआ अस्थि धातु का तो भी आपको इन तीनों के रिलेटेड लक्षण देखने मिलेंगे. द डिजीज इज रिलेटेड टू दंत आर एक्सप्लेन एज बिलो, दालन कृमिदंत दंत हर्ष भंजनक दंत शर्करा कपालिका एंड श्यावदंत. इनमें भी दंत का स्वरूप कैसे चेंज होता है वो लिखा हुआ है. सेम लाइक केश एंड दंत नख का भी वही है कि नॉर्मल स्वरूप अकॉर्डिंग टू प्रकृति एंड सार परीक्षा वो डिस्क्राइब किया, कि जैसे वात प्रीडोमिनेंट पर्सन को थिन और ब्रिटल नेल्स होंगे, कफ में कैसे हैं पित्त में कैसे हैं. विकृत स्वरूप ऑफ नख इन कंसर्न विद डिजीज, यहाँ पे भी वैसे ही कि जैसे पूर्व रूप ऑफ प्रमेय में बोला है केश नख अतिवृद्धि, राजक्षमा में भी सेम है केश नख अतिवृद्धि, तो वैसे दिखाया. फिर अस्थि धातु वृद्धि क्षय, वो हमने पढ़ाया था कि कैसे नख अतिवृद्धि होगा या फिर फ्रेजाइल अस्थि भंगुर होगा. और रिलेटेड टू नख डिजीजेस हैं चिप और कुनख. द लास्ट सब टॉपिक दैट इज इंक्लूडेड अंडर दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंस क्या है केश नख दंत एग्जामिनेशन का. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रोगमादो परीक्षेत ततोनंतरम औषधम, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट करने के टाइम पे औषध ट्रीटमेंट औषध देने के पहले आपको रोग की पहले परीक्षा करनी जरूरी है. सो केश नख दंत एग्जामिनेशन आपको एज अ डायग्नोस्टिक टूल हेल्प करता है टू डायग्नोज द व्याधि. सेकेंडली आयुर्वेद में क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट टू तरीके से बोला है, रोग परीक्षा बोला है रोगी परीक्षा. एंड रोग परीक्षा आयुर्वेद में की जाती है निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति करके, तो इसी अकॉर्डिंग जैसे कि पूर्व रूप ऑफ प्रमेह कुष्ठ और राजक्षमा में पहले ही बोला है कि केश नख अति वृद्धि होती है, तो अगर वो एग्जामिन किया तो इट विल हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विल बी हेल्पफुल इन अर्ली स्टेजेस ओनली, तो वो उसको डिजीज को बढ़ाएगा नहीं. ऑल्सो केश नख दंत एग्जामिनेशन प्रकृति एनालाइज करने में काम आ सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट प्रकृति, एंड प्रकृति अगर पता रहेगी तो हमें उसका सत्व सात्म्य पता चल सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं. ऑल्सो केश दंत नख और दोष धातु मल के बीच में अगर रिलेशन हमें पता है तो हम कोरिलेट करके इट कैन बी यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल. ऑल्सो केश नख दंत का दंत की एग्जामिनेशन से हम प्रकृति पता चल सकती है, एंड प्रकृति एक बार पता चल गई तो हमें पेशेंट को डाइट लाइफस्टाइल एंड सीजनल रेजिमेंट एडवाइस करने में यूजफुल हो सकता है.
Even in Ayurveda, Arish Lakshana has been explained by observing the status of Kesha, Danta and Nakha. And Arish Lakshana ko bolte ki signs of death hai, but exactly wo signs of death nahi hai. It's like ki disease itna severe ho gaya ki aapko abhi prompt actions ki zarurat hai ya prompt investigation ki zarurat hai so that patient survive kar jaye. So this can decide the prognosis of the disease. So ultimately, examination of Kesha, Danta and Nakha emphasizes on an individuality, also acts as a tool for diagnosis of various disease, and it also plays an important role in diagnosis, preventive medicines and prognosis of the disease. Thank you. I tried to gather the scattered material and provide you all with these notes. I know it's a bit late, but I hope that it will prove to be useful for you all. Thank you.